नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जीत की राह पर लौट आई है। मंगलवार को पुणे के अपने तीसरे मुकाबले में स्पेन को 3-0 से मात दी। भारत की जीत के हीरो रुपिंदर पाल सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 गोल दागे। रुपिंदर के अलावा सिमरनजीत सिंह ने भी शानदार मैदानी गोल दागा। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को अर्जेंटीना से होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 की करारी हार झेलने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। शुरुआती क्वार्टर में तो भारत का पूरी तरह दबदबा रहा। खेल के 14वें मिनट में सिमरनजीत सिंह ने शानदार फील्ड गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अगले ही मिनट भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, जिस पर रुपिंदर पाल सिंह ने गोल कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश टीम ने आक्रामक हॉकी खेलते हुए 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। इसके बाद तीसरे क्वार्टर फाइनल में दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पाईं। चौथे और आखिरी क्वार्टर के 6वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस मौके को रुपिंदर पाल सिंह ने गोल में तब्दील कर भारत को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। आपको बता दें, वर्ल्ड नंबर 4 भारतीय टीम को इस मुकाबले में कुल 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें वो 1 को गोल में तब्दील कर पाई। दूसरी ओर स्पेनिश टीम को कुल 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय गोलकीपर और डिफेंडरों ने स्पेनिश टीम को गोल नहीं करने दिया। गोलकीपर ने तो कुल 6 शॉट्स का बचाव किया। बता दें, अब तक 3 मैचों में 2 मैच जीतकर भारत ने मेडल की आस जगा दी है। ऐसे में इस बार भारतीय हॉकी टीम से सभी को मेडल की उम्मीदें हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।